जय हिंद, नमस्कार। अग्निवीर सेना भर्ती में जिन युवाओं ने रिटन एग्जाम पास करने के बाद अब फिजिकल और मेडिकल भी क्वालिफाई कर लिया है, तो अब उन्हें बेसब्री से फाइनल रिजल्ट का इंतजार है, मेरिट का इंतजार है। तो वहीं वो युवा जो इस बार किसी भी कारणवश रिटन एग्जाम में अपना स्थान नहीं बना पाए, या फिर रिटन एग्जाम में भी वो पास हो गए थे लेकिन इसके बाद फिजिकल या मेडिकल में कहीं जाकर फेल हो गए हैं, तो अब उन्हें अग्निवीर की नई भर्ती का इंतजार है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं पर बात करने वाले हैं कि आखिर फाइनल मेरिट फाइनल रिजल्ट कब तक जारी होगा और अग्निवीर की नई भर्ती कब तक आएगी। देखिए दोस्तों, यह तो क्लियर हो गया है कि अक्टूबर माह के फर्स्ट और सेकंड वीक में अग्निवीर भर्ती का फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि पहले यह रिजल्ट सितंबर महीने में जारी होने की संभावनाएं थी, लेकिन कुछ यारों की ओर से भर्ती की जो फाइनल प्रक्रिया है उसको पूरा करने में समय लग जाने के कारण से इस रिजल्ट को जारी होने में कुछ देरी हुई है। क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि कुछ यारों का रिजल्ट तो एक साथ जारी हो सकता है और कुछ यारों का बाद में जारी हो सकता है, लेकिन अब जिस तरह रिजल्ट को लेकर रिजल्ट को जारी होने में कुछ देरी हुई है, तो अब उससे यही लग रहा है कि शायद फर्स्ट फेज की जो भर्तियां कंप्लीट हुई हैं, अब उन सभी का रिजल्ट एक साथ जारी किया जा सकता है। हालांकि जानकारी यह भी है कि कई सेना भर्ती कार्यालयों की ओर से फाइनल रिजल्ट है जो तैयार कर लिया गया है। जैसे ही उनको ऊपर से इसको लेकर हरी झंडी मिलती है, तो फिर उन सेना भर्ती कार्यालयों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। देखिए, कुछ युवा पूछ रहे हैं कि सर, रैली के समय हम अपने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट या एनसीसी का सर्टिफिकेट जमा नहीं करवा पाए, या कुछ और भी हमारे सामने परेशानियां रहीं उस चक्कर में हम वो सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाए, तो क्या अब हम अपने सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको अपने सेना भर्ती कार्यालय में ही संपर्क करना होगा, वहीं से आपको इसके बारे में पूरी और सही जानकारी मिल सकती है। क्योंकि आपको इसके पीछे का कारण भी उन्हें बताना होगा कि आपने यह सर्टिफिकेट रैली के समय क्यों जमा नहीं कराया। अगर आपके पास इसका सही कारण होता है तो हो सकता है कि आपको इसमें राहत भी मिल जाए। तो दोस्तों, रिजल्ट को लेकर अपडेट फिलहाल यही है कि अक्टूबर माह के फर्स्ट या सेकंड वीक में फाइनल रिजल्ट आप सभी को देखने को मिल सकता है। और देखिए, अगर फिर भी इस बीच में इसको लेकर कोई और भी अपडेट खबर आती है तो हम आपको उससे भी अवगत जरूर कराएंगे। और चलिए अब बात कर लेते हैं अग्निवीर की नई भर्ती को लेकर। तो दोस्तों, यह तो आपको भी पता है कि जब तक इस रिक्रूटिंग ईयर की दोनों फेज की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं करा ली जाती है, तब तक दूसरी भर्ती नहीं आएगी। क्योंकि दूसरे फेज में कई सेना भर्ती कार्यालयों की जो दौड़ है वो अगले साल 2024 में जनवरी माह के आखिर तक चलने वाली है, यानी जनवरी 2024 तक दौड़ होने वाली है। जिसमें अगर बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पर 15 से 22 जनवरी 2024 तक झुंझुनू सेना भर्ती कार्यालय की ओर से श्रीगंगानगर में दौड़ कराई जाएगी। वहीं सिलीचर सेना भर्ती कार्यालय की ओर से अगरतला में 20 से 24 जनवरी 2024 तक दौड़ होगी। अब ऐसे में ये हो सकता है कि एक तरफ तो इस रिक्रूटिंग ईयर की भर्ती को फरवरी 2024 तक कंप्लीट करा लिया जाए, यानी एक तरफ डिस्पैचिंग प्रक्रिया भी चलती रहेगी इस वाली भर्ती की, और दूसरी ओर 2024 की जो भर्ती आने वाली है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, यानी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। फरवरी लास्ट या मार्च में नई भर्ती का नोटिफिकेशन देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, और अप्रैल माह के आखिर तक इसका एग्जाम कराया जा सकता है। क्योंकि एग्जाम कराने के लिए एक या डेढ़ महीने पहले नोटिफिकेशन जारी इसके लिए किया जा सकता है, और उसी के हिसाब से भर्तियों को कंप्लीट कराया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप सभी से कहना चाहेंगे कि आप सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे रहें। जिन युवाओं को अभी रिजल्ट का इंतजार है उनसे कहना चाहेंगे कि अब आपको बहुत ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द आपको यह भी जानकारी देखने को मिल सकती है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो किस तिथि को जारी किया जाएगा, यानी इसके बारे में आपको सेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यह जानकारी देखने को मिल सकती है। यानी रिजल्ट से पहले आपको यह बता दिया जाए कि इस तिथि को आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। और जिन युवाओं का किसी कारण से इस बार अग्निवीर में नंबर नहीं आ पाया है, जो रिटर्न में फेल हो गए हैं, मेडिकल में फेल हो गए या फिजिकल में फेल हो गए, तो वो युवा अपनी आगे की तैयारियों में जुटे रहें। अगर आपके पास में आगे भी अग्निवीर भर्ती में शामिल होने के लिए मौका है या आप इसके लिए योग्य हैं, तो आप अपनी तैयारियों में लगातार जुटे रहें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना व सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और हां, आज से इसमें एक लाइन और जोड़ देता हूं, कुछ अपनों से भी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।